नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चाणक्य नॉलेज शो पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसी वीडियो मिलेगी जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल आपके लिए करंट अफेयर्स का काम करेगा। तो अब चलते हैं आज की वीडियो पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के लिए रशिया से, और ये भारत के लिए बहुत बेहतर खबर है, जिसके बाद चाइना को बहुत दर्द होने वाला है। इससे भारत को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इस खबर से भारत ने पूरी दुनिया को अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया है। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एक पैक्ट किया है, और इस पैक्ट में भारत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इस पैक्ट को मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट कहा जाता है, और ऐसा ही एक पैक्ट अमेरिका और भारत के बीच हुआ है, जिसमें भारत और अमेरिका ने इस पैक्ट में साइन किया है, जिसका नाम लेमुआ है। इस पैक्ट में भारत और अमेरिका ने आपस में एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को बिना किसी दिक्कत के आपस में यूज़ करने पर सहमति बनाई हुई है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे हिंद महासागर में भारत का को कोई नेवल पोर्ट है और अमेरिका को उस नेवल पोर्ट की ज़रूरत है, तो अमेरिका बिना किसी दिक्कत के भारत के नेवल पोर्ट का यूज़ कर सकता है, जिसमें भारत अमेरिका को मदद करने में मजबूर होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका में इस पैक्ट में साइन हुआ है कि दोनों देश आपस में सहयोग बना करके एक दूसरे की मदद करेंगे। और ऐसे ही भारत को अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने की ज़रूरत पड़ती है तो भारत भी अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों का बिना किसी दिक्कत के यूज़ कर सकता है, और अमेरिका भारत की मदद करने में मजबूर होगा। और ऐसे ही कई सारे पैक्ट भारत ने दूसरे देशों के साथ भी करे हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे भी देश हैं। और ऐसा ही एक पैक्ट भारत और रशिया के बीच में करीबन 1.5 साल पहले होने वाला था, पर रशिया इस पैक्ट से चाइना से दबाव में आकर धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। और जब से भारत और चाइना के बीच में LOC पर तनाव बढ़ा है, तब से तो ऐसा लग रहा था कि ये पैक्ट भारत और रशिया के बीच में होगा भी या नहीं। लेकिन जब से भारत ने रशिया को छोड़कर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू करे हैं, और साथ में रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट को छोड़ कर के पश्चिमी देशों के इक्विपमेंट पर अपना ध्यान ज़्यादा दिया है, तब से ही रशिया की चिंता भारत को लेकर बढ़ गई है। और जब से भारत को ये पता चला है कि रशिया चाइना के साथ मिलकर बड़े हथियारों को डेवलप कर रहा है, जैसे सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइलें, वो भी ऐसे समय में जब भारत और चाइना के बीच LAC पर तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे में भारत ने रशिया को सबक सिखाने के लिए हर साल जो मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में होती है उसको बायकॉट कर दिया है। और उसके बाद रशिया ने भारत को मनाने के लिए लगातार कई तरह की कोशिश करी है, लेकिन उसका रशिया को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे में रशिया भारत को अपने पाले में लाने के लिए लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करने वाला है, जो बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि जब से जापान ने भारत के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट पर साइन किए हैं तब से रशिया को चिंता होने लगी है, क्योंकि भला ही रशिया का चाइना सबसे अच्छा व्यापारिक संबंध वाला देश हो, लेकिन रशिया इस बात को बखूबी जानता है कि चाइना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो भविष्य में रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपने एक स्टेटमेंट में दावा किया है कि यह शहर किसी टाइम पे चाइना का हिस्सा था जो रशिया ने आज कब्जाया हुआ है। और ऐसे में रशिया इस बात को बखूबी जानता है कि चाइना को एकमात्र देश भारत ही है जो कब्जे में कर सकता है, जिसके लिए भारत और चाइना में बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया भारत के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट पर साइन जल्दी ही करने वाला है, क्योंकि रशिया चाइना के खिलाफ भारत को एडवांटेज देना चाहता है, ताकि रशिया के खिलाफ
चाइना भविष्य में कोई भी खतरा ना बन सके। तो अब दोस्तों देखना ये बाकी है कि रशिया कब भारत के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट पर साइन करने वाला है। हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी ताकि कोई भी अपडेट आने पर हम आपको सूचित कर सकें। तो अब दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अब आप कल के सवाल का जवाब देने वाले का नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आज का सवाल, भारत में सेना के कितने कमांड थिएटर हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।